ममता सरकार के खिलाफ राष्ट्रपति से मिला बंगाल भाजपा सांसदों का प्रतिनिधि दल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात कर सांसदों ने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर बात की। गंगारामपुर में प्राइमरी की महिला टीचर के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार किया गया, उस घटना का जिक्र भी राष्ट्रपति से किया गया। पश्चिम बंगाल सरकार सारी तंत्र के साथ कर रही और वहाँ गंगारामपुर में नॉर्थ बंगाल में वहाँ एक शिक्षक, स्कूल शिक्षक, उसकी ज़मीन को दखल कर लिया और जब उसने प्रतिवाद किया तो तृणमूल के दल के गुंडों ने उस महिला के पैर में रस्सी बांधकर उसको सड़क पर घसीट कर ले गए और तरह तरह से प्रताड़ित किया और उसको बेइज्जत किया, मोलेस्ट किया और उसकी छोटी बहन के साथ भी दुर्व्यवहार हुआ। ऐसा ही नहीं, दिन आए दिन वहाँ पर महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, गणधर्षण हो रहा है और वहाँ पुलिस मूक दर्शक बन के बैठी हुई है। तो हमने राष्ट्रपति जी से कहा है कि इसकी एक व्यवस्था लेने के लिए कि वहाँ राज्यपाल जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उनको भी बेइज्जत किया जा रहा है, इसकी एक व्यवस्था लेने के लिए। पश्चिमी बंगाल में जिस प्रकार संविधान की धज्जियाँ उड़ रही है, जिस प्रकार लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ झूठे मुकदमे लगा रहे हैं और विशेषकर NDPS के मुकदमे में कम से कम 1000 कार्यकर्ताओं को झूठा फंसाया गया है। कुल मिलाकर एक अराजकता का वातावरण है। सरकार स्वयं सरकारी खजाने से CA जैसे बिल का विरोध कर रही है विज्ञापन के माध्यम से, आंदोलन करने के लिए लोगों को उकसा रही है। एक बंगाल में अराजकता का वातावरण है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त है और इस विषय में हमने तथ्यों के साथ महामहिम राष्ट्रपति जी को अवगत कराया है।